गर्मी तो नहीं लग रही है लेकिन दम तो लगाने पड़ रहे हैं ना चढ़ने में। तो यहाँ से हमें और भी ऊपर जाने को है, और भी ऊपर यह है और हम आसमान की ऊंचाइयों पे, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। तो वाइब देखना चाहोगे यहाँ से? वाइब वो खूबसूरती जिसे हमने तराशा है वाइब। भाई जैकेट वगैरह भी बहुत गंदे हो चुके हैं और इसे धुलना पड़ेगा। और बारिश की क्या कहते हैं उसको, बारिश जब होती है ना तो ये सब की भाई खुशबू बदल जाती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब महंगे लगते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? तो आप सभी को पता होगा कि आज मेरा पहला दिन होने को जा रहा है मुंबई में। मुंबई का आज मेरा पहला दिन है काम का और भाई मैं साइट पे हूँ। और भाई यहाँ पे तो भाई धूप ही नहीं निकल रही, गाँव में भाई मतलब धूप बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन गाँव की तो बात अलग है। लेकिन भाई शहर में इस वक्त मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश है भाई। मौसम यहाँ का जो भाई बहुत डिफरेंट है ना, तो यहाँ से सामने देखने को मिल रहा होगा वाह कैसा मौसम है भाई, एकदम क्लाउडली बादल ही बादल है और बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारिश है भाई। ये है हाल, पानी गिर रहे हैं, वॉल भीगा हुआ है। और मैं यहाँ से क्या गया कि मैं जाऊँगा और टॉप फ्लोर में, ठीक है। आज पहला दिन है, क्रेन पे जाएंगे, देखेंगे कैसा सिचुएशन है क्रेन का और फिर आप सभी को जानकारी देंगे काम का। और मैं टोटल एक महीने से मतलब बाद ही आ रहा हूँ मुंबई में, एक महीना होने को जा रहा है मुझे। तो एक महीने से मैं भाई घर पे था और भाई ब्लॉग बहुत ज़्यादा पेंडिंग में रह गया है, आप सभी पता होगा। तो यहाँ से भी वाइब देख लो कैसा देखने को मिल रहा है, अमेजिंग है नज़ारे। हालाँकि पानी पानी हो चुका है पूरा एरियाज और यहाँ से भाई नज़ारे जो हैं वो भाई उसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। ये तो बस अभी शुरुआत है और हमने अभी तक जो आप सभी को दिखाया है ना, ये फ्लैट 10th फ्लोर से वाइब देखने को मिलती है, ठीक है। 10th फ्लोर से और ऊपर चलते हैं, ऊपर से और भी मज़ा आने वाला है। स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि इतने ज़्यादा नहीं हो रहे, नॉर्मली हो रहे। और भाई यहाँ से मौसम और बारिश सभी एक साथ में, बादल ही बादल चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा। तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है ऐसा इसलिए कि बादल भाई क्लाउड ने किया है। और भाई वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ पहाड़ पे आ चुके हैं, चलते हैं ऊपर। गर्मी तो नहीं लग रही है लेकिन दम तो लगाने पड़ रहे हैं ना चढ़ने में। तो यहाँ से हमें और भी ऊपर जाने को है, और भी ऊपर। अभी बस शुरुआत है और यह पहला वीडियो है मुंबई का, पहली बारिश भी है मुंबई की हमारे लिए, क्योंकि मैं अभी गाँव से आया हूँ इसके लिए मेरे लिए पहला है। चलते हैं ऊपर, और भी कुछ है, सभी चीज़ दिखाते हैं। और वो कहावत सही बैठती है कि हम आसमान के ऊंचाइयों पे, तो ये सच कहा गया है और हम आसमान के ऊंचाइयों पे, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। तो वाइब देखना चाहोगे यहाँ से? वाइब वो खूबसूरती जिसे हमने तराशा है वाइब, तो देख लो यहाँ से वो सारी खूबसूरती और सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे हमें क्लाउड, वाव क्लाउड देखने को मिलते हैं। इस वक्त हवा ज़्यादा नहीं है, मतलब हवा लग नहीं रहे हैं भाई। एनेमोमीटर है अपना, ये जो है इस साइड में घूमती है, हवा की स्पीड, हवा की गति, उसके हिसाब से क्रेन पे काम होते हैं। अगर ये ओवर रहा तो उम्मीद कम रखना कि काम होगा। और यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें जो हमने दिखाना चाहते हैं आप सभी को, ये बिल्डिंग है ना अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। और काम भाई इसका स्टार्ट हो चुका है, बारिश हो रही है, साथ ही साथ ये भाई थोड़ा सा भीगा हुआ है और शूज हम बाहर नहीं खोल सकते, तो शूज हमें अंदर ही खोलना पड़ेगा प्रेजेंट टाइम में। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी पता होगा
केबिन में सुरक्षित रहेगा हमारा शूज, और हम बाहर रखेंगे तो भीग गया तो भाई लफड़ा ही लफड़ा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हम करते हैं ओके स्टार्ट, 11 पे बोल दिया इसने, और देखते हैं कुछ लोड रहेगा तो लोड उठेंगे। और यहाँ से भाई देखने को मिल रहा होगा अमेजिंग नजारे, जो भाई क्रेन है फ्रेश हो चुका है। होता है क्या है कि काम होता रहता है तो ये भाई गंदा हो जाता है क्रेन अपना, लेकिन अभी फ्रेश देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ से भी नजारे दिखाते हैं आप सभी को कैसे देखने को मिलते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को मिल रही होगी इस वक्त, जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग्स, क्रेन्स, बहुत सारी चीजें हैं जो देखने के लायक इस वक्त अवेलेबल हैं। और हम कर लेते हैं एसी स्टार्ट, क्योंकि अभी जस्ट हमने अंदर आया ना, तो कम से कम 25 तो बनता है, तो हमने ज्यादा नहीं रखा है ताकि थोड़ा ठीक लगे अपने को। फिर उसके बाद तो भाई 30 के आसपास ही चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। और भाई केबिन तो पूरा का पूरा फ्रेश है, सब कुछ सही दिख रहा है। और इस साइड में देखने को मिल रहा होगा ये अपना वही ट्रॉली है जो हुआ करती थी एक दूसरे में, ट्रॉली में ज्वाइंट हुआ करती थी, इसमें ही ज्वाइंट हुआ करता था ये वाले ट्रॉली में। तो ये कुछ सब कुछ सही है, ऑपरेटर आवाज देगा तब हम काम स्टार्ट करेंगे। भाई जैकेट वगैरह भी बहुत गंदे हो चुके हैं और इसे धुलना पड़ेगा। और बारिश की क्या कहते हैं उसको, बारिश जब होती है ना तो ये सब की भाई खुशबू बदल जाती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब महकने लगता है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, हमेशा से ऐसा नहीं रहता ना, तो ऐसा हो जाता है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब हमेशा से करते रहिए, और सपोर्ट अपने भाई को दिखाते रहिए। और थोड़ी सी सामने से वाइप दिखा देते हैं कैसा लगता है। ये केबिन है, अभी केबिन के अंदर पानी थोड़े थोड़े आने लग गए हैं, जैसे कि यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ये कहाँ से आते हैं इसका भी जांच पड़ताल होगी, फिर उसके बाद सही सलामत जगह पे किया जाएगा और फिर होगा काम स्टार्ट। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में। और सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच किया कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा कीजिए और समझा कीजिए कि काम और इंफॉर्मेशन कुछ भी मत छोड़ा कीजिए, देखते रहा कीजिए, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, उससे मुझे भी हेल्प मिलेगी, जिससे कि मुझे सपोर्ट के तौर पे कह सकते हैं कि मुझे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है।